दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक इकरार यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताएंगे फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड IDFC फर्स्ट बैंक का आप यूज़ करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पर कुछ इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट आपको भेजा जाता है। तो दोस्तों इसको कैसे ओपन करना होगा, क्या PDF का पासवर्ड होगा, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल आपको लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो टेक इकरार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक का वाव क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से आपको ईमेल आईडी पर आया हुआ है। तो आपको यहां पर देख सकते हैं कि आपको स्टेटमेंट जो है आपको यहां पर भेजा गया है। PDF का पासवर्ड, जो भी आपका डेट और मंथ आपका PDF का पासवर्ड है और कितना अमाउंट आपको पेमेंट करना है, टोटल यहाँ पर देख सकते हैं कि 54 रुपये 82 पैसे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि रिवार्ड में कोई भी आपको नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर 4 अप्रैल से पहले पहले आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा आपके जो क्रेडिट कार्ड का बिल का। और यहाँ पर नीचे आपको देख सकते हैं कि आपका प्रोटेक्टेड पासवर्ड है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक PDF देखने को मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड का PDF का पासवर्ड जो है, आपका डेट, आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ का डेट और यहाँ पर जो मंथ होता है मंथ एंटर करेंगे 4 डिजिट बस। और उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन का और कैंसिल का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको ओपन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो क्रेडिट कार्ड का डिटेल है, जैसे कि आप देख सकते हैं वाव क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर हमारे पास, ये जो है क्रेडिट कार्ड हमको यहाँ पर FD के एजेंट पर मिला है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो भी अमाउंट यूज किया है, पहले पेमेंट किया था 234 रुपये 82 पैसे, हमने अगले महीने का जो पेमेंट था वो बिल जनरेट हुआ था तो हमने पेमेंट कर दिया, यहाँ पर शो हो रहा है। और यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है यहाँ पर 10,000 रुपये है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कैश विड्रॉल भी आप 10,000 रुपये कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको EMI पे का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपका जो भी अमाउंट 2500 से ज़्यादा का अमाउंट आप यूज करते हैं तो उसको EMI में आप कन्वर्ट कर सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का। तो दोस्तों आप नीचे आप जाएंगे तो कितना ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ पर आप किए हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर पूरी ट्रांजेक्शन की डिटेल, किस डेट में आपने कहाँ पर यूज किया है अपने क्रेडिट कार्ड का, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा डिटेल आपका जो क्रेडिट कार्ड का है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से वाव क्रेडिट कार्ड IDFC फर्स्ट बैंक का स्टेटमेंट आपके ईमेल आईडी पर आया हुआ है, तो इसको ओपन करने के लिए आपका डेट और मंथ का जो है वो इंटर करके आपको ओपन पर क्लिक कर देना होगा कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और किसी भी तरह के सवाल या तो क्वेश्चन है तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ठीक है, बाय, थैंक यू।